Hey guys, morning. So today I came with a very new topic and it is really very interesting topic. Like लोग रहते हैं व्रत करते हैं, फिर अमावास के दिन, फिर पूर्णिमा के दिन एंड बहुत सारे श्राद्ध वगैरह के दिन जो लोग की मंदिर से प्रसाद लाते हैं. लाइक ओडिशा में एक ऐसे इनिशिएटिव लेके आना कि हाँ ऑनलाइन प्रसाद डिलीवरी करो. लाइक इट इज़ समथिंग रियली यूनिक और मेरे को तो उतना आइडिया भी नहीं था ये सब चीज़ होता है बोल के. फिर मैं इधर का एक टेम्पल है हमारा ओडिशा पे अनंत वासुदेव मंदिर बोल के, उनका प्रसाद ना बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है. रियली ट्रस्ट मी, यू गैस शुड इवन यू गैस शुड गिव इट अ ट्राई. मैं आज तक जितना भी मंदिर का प्रसाद खाया हूँ मेरे को सबसे अच्छा लगा एक तो अपना पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर का, दैट डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट रहता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रेसिपी रहता है उन लोगों का. फिर ऊपर दूसरे में अपना भुवनेश्वर पे, एंड बेसिकली दिस वीडियो इज़ बेस्ट फॉर द पीपल दोज हू आर स्टेइंग इन भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर पे भी मैं देख रहा था लाइक बहुत सारा टेम्पल है जहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा रहता है, बट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ आइडिया रिगार्डिंग दैट. तो मैंने उस दिन अनंत वासुदेव मंदिर का मेरे को प्रसाद लाना था एंड वो टेम्पल है अपना लिंगराज मंदिर के पास पे ओल्ड टाउन एंड आई एम स्टेइंग हियर इन कोटिया. सो इतना दूर जाना भी लाइक पॉसिबल तो था, बट इतना धूप में लाइक अगर कोई आ रहा है उस साइड से लेके आ जाए तो देर से बेटर ऑप्शन. तो बहुत बता करने के बाद मेरे को ये पता चला कि हाँ एक साइट है जहाँ पे भी घर पे ऑनलाइन प्रसाद डिलीवरी कर रहे हैं वो लोग. तो फिर मैं ढूंढते ढूंढते पहुँच गया अपना मो हर साइट पे, उनका लिंक भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा. एंड उनका जो मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, वो लोग ऑनली साइट पे ऑर्डर नहीं लेते हैं, व्हाट्सएप पे भी डिलीवरी लेते हैं. लाइक जो लोग थोड़ा एजेड है, ज़्यादा एजेड है, जिन लोगों को उतना साइट से ऑर्डर करना नहीं आता, दे गए थे इवन व्हाट्सएप द मेनू एंड दे विल गेट द प्रोडक्ट. तो उनका देखो क्या रहता है, कैसे रहता है उनका साइट पे एक तो रहता है 149 या 150 समथिंग, उसको 5 आइटम्स रहता है. और मैं जो ऑर्डर किया था उस पर था 8 आइटम्स 250 रुपीज़. मेरा वाला पे था भात ओडियर गोल, भात डाली पनिका बेसर मुहूर खट्टा खीरी आ पाचुड़ी आ छोले, ये तीनटा आइटम थिला. तो से मानकर जो पैकेजिंग से मैंने करके आनुंच पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया थिला. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अगर आप लोग को ऑर्डर करना है तो 11:30 से पहले ही आप लोग को ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बाद वो लोग खाना प्रोसेस होकर ऑलरेडी मंदिर से निकल जाता है 11:30 बारह बजे तक. तो 11:30 बजे तक आपको ऑर्डर प्लेस करना है. ऑर्डर प्लेस करने के बाद मेरे को डिलीवरी हुआ था लगभग 2 बजे के आसपास. एंड लाइक खाना जो आया था पूरा गर्म गर्म होके था, क्योंकि पैकेजिंग उनका बहुत ही सही रहता है. बट मेरा फास्ट थोड़ा बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि द थिंग इज वो मेरा जो 8 आइटम में से वो मेरे को बेसर मुहूर एंड अपना पाचुड़ी एक आता है कड़ के साथ अपना कुकुम्बर फिर अनार ये सब मिला के फ्रूट्स वगैरह मिला के बनाया जाता है, वो बहुत ही टेस्टी रहता है. ये 3 आइटम नहीं थे, सो आई वॉज काइंड ऑफ डिससेटिस्फाइड. एंड उस दिन एक प्रॉब्लम भी हुआ था, मैं जब उनको कॉल किया तो उनका कॉल भी नहीं लग रहा था, बिकॉज ही वॉज इन द मेडिकल. उनका कुछ फैमिली का कुछ इश्यूज था बोले वो मेडिकल का, इसलिए वो मेडिकल पे थे. बट द थिंग से पार्ट सर्विस जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसके अगले दिन वो मेरे को रात को कॉल किया उस दिन और मेरे को पूछे सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. मैं मेल भी किया था उनको एंड वो मेरे को कॉल करके और पूछे सर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. मैं बोला मेरे को ये 3 आइटम नहीं आया था. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक दे शुड रिफंड मी ऑफ 3 दे शुड रिफंड मी द अमाउंट ऑफ दिस 3 आइटम और एल्स दे शुड गिव मी दिस 3 आइटम ऑन द नेक्स्ट डे. तो वो लोग मेरे को क्या किए, एज ए कॉम्प्लीमेंटरी पूरा जितना सारा प्रोडक्ट था दूसरे दिन फिर से और एक बार भेज दिए एंड इट्स टोटली फ्री. तो एंड दूसरे दिन भी जो भेजे लाइक मतलब लोगों का रहता है ना मेंटालिटी नहीं आज इतना दे रहे तो ऐसे क्यों, लाइक ऐसा कुछ नहीं था, पूरा क्लीन था, पैकेजिंग भी बहुत अच्छा था एंड खाना वही सेम खाना आया था, बहुत ही टेस्टी हो गया था टू बी ऑनेस्ट. सो इट्स अ न्यू इनिशिएटिव एंड वी गाइस शुड सपोर्ट इट. एंड उस साइट पे अपना ओनली अनंत वासुदेव टेम्पल का नहीं, बहुत सारा टेम्पल है ओडिशा का आई मीन भुवनेश्वर का, जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद मिलता है. उधर से तुम जिस मंदिर का चाहो उधर मेनू पे उनका फ्रंट पेज पे ही उनका मेंशन है, तुम उधर जाके उनका फ्रंट पेज से डाउनलोड देख के साइट से चूज करके या फिर व्हाट्सएप पे उनका मंदिर का एड्रेस देख के इस मंदिर का प्रसाद चाहिए बोल के एड्रेस डाल के तुम मंगा सकते हो. सो इट्स नॉट ए बिग डील टू ऑर्डर दैट.
एंड लाइक जो कॉस्टिंग रहता है, देखो कॉस्टिंग मंदिर पे जितना रहता है इधर भी उनका उतना ही रहता है, बस इधर एक चीज था 43 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस था एंड विच इज नॉट दैट मच, क्योंकि अगर मैं पटिया से जाता ओल्ड टाउन फिर उधर से आता तो डेफिनेटली मेरा खर्चा हो ही जाता लगभग 100-150 रुपये के आसपास, फिर इतना धूप पे भी जाता। सो अगर उधर से कोई लेके आ रहा है, क्योंकि उधर से भी जो आ रहा है डेफिनेटली मुश्किल मेहनत से आ रहा है, बट वो जो लेके आ रहा है ना बहुत सारे लोग लेके आ रहा है, तो ये चीज़ अभी जो है उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है। सो वी पीपल शुड अप्रिसिएट दैट, हम लोग अप्रिसिएट करके हम लोग उसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ना लाइक प्रसाद भी घर पे आ रहा है, इट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव, जो कि मेरे को मैंने पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ लोगों को घर पे बैठे हुए प्रसाद मिल रहा है, क्योंकि बहुत सा लग रहता ना वो हम स्पेशली हम ओडिया लोग एकादशी श्राद्ध संक्रांति अमावास्या इंती बहुत सारे जिनस है जोधे लोक मैंने बाहर जिनस खाती कि पिज रसुण खाती, सो इट्स ए बेटर ऑप्शन। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैं आज तक जितना भी प्रसाद खाया हूँ ना, आनंद वासुदेव टेम्पल का प्रसाद रियली फैंटास्टिक, एवरी वन शुड ट्राई इट वंस। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे को खाने में क्या क्या था एंड कैसे दिख रहा था खाना वगैरह। अजी पछड़ी पछड़ी सब दिख रहे ना, काली भी देखा आज भी देखे आओ भल सर्विस आओ फ्री आज फ्री ऑफ कॉस्ट से लिखाई ना साइड रे मेंशन अच्छी आज पैकेजिंग टा भल कर भात डाली शाग बेसर मुंग खटा पाचड़ी सब आइटम दिखाई क्योंकि उतना ज़्यादा क्लिप तो लिया नहीं, जितना क्लिप है फोटोज वगैरह पे दिखाता हूँ एंड उनका जो लिंक है साइट का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जस्ट टाइप गो एंड ऑर्डर द फूड एंड कमेंट पे आके फिर से बोलना खाने का टेस्ट कैसा लगा, सर्विस कैसा लगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है देन कॉन्टैक्ट देम इन द कस्टमर केयर नंबर कि हाँ मेरा ये दिक्कत हुआ है जिसके प्रॉब्लम एंड ऑल, दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। सो जाओ देखो कैसा लग रहा है, मेरे को अगर अच्छा लगा तो दुआओं में मेरे को भी याद रखना। चलो विन बिक्रम नेक्स्ट चैनल पर चलो कॉट मारो।